यहाँ ताकर मति पहले हरिणी। भगवान ने रावण की मति का हरण कर लिया था। भगवान तो लौकिक रीति के लिए वहां पर शांति दूत भेजते भी हैं, लेकिन रावण नहीं मानता। फिर युद्ध छिड़ जाता है, नाना तरह के योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं, प्रतिदिन हजारों सैनिक मारे जाते हैं। मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे महा महा योद्धा भी मारे जाते हैं। उसमें कभी कभी भगवान को भी क्षति हुआ, कभी भगवान को नागपाश लगा, कभी लक्ष्मण को शक्तिवान लगा। तमाम युद्ध होते हुए यहाँ तक पहुँचा कि रावण को भी विभीषण ने प्रभु की शरण लेकर के बता दिया कि प्रभु उसके नाभि में ही अमृत है, उसको मार दिया। भगवान ने रावण को मार दिया, रावण मर गया। तब विभीषण ने कहा, प्रभु चलिए हमारा तिलक करिए, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो मैं तिलक नहीं लूँगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा तिलक तो मैं समुद्र के किनारे ही कर दिया था, अब मैं गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता और माता का आदेश है कि 14 वर्ष तक गांव में राज्य में नहीं जाना है। तुम्हारा तिलक लक्ष्मण जी हनुमान जी ये लोग जाके कर देंगे। वो लोग गए, तिलक किए, फिर श्रद्धा से माता सीता को सम्मान पूर्वक माफी मांग के कि हे जगत जननी, मेरे भाई से बहुत बड़ा अपराध हुआ, आज उसी का फल है कि हजारों माताएं यहाँ विधवा हैं, हजारों पुत्र अनाथ हो चुके, लेकिन फिर भी आपकी अगर कृपा रहेगी तो यह लंका बस जाएगा, इसलिए अब आपको मैं भगवान के पास सुपुर्द करता हूँ। पुष्पक विमान भी रावण का जो था कुबेर से हर लिया था, तो कुबेर जी आए, बोले भगवान रावण तो मर गया, पुष्पक विमान तो मेरे पास आ गया, लेकिन यह पुष्पक विमान तभी मेरे पास आएगा जब आपको छोड़ देगा अयोध्या। पुष्पक विमान की सज्जनों इतनी खासियत थी कि पूरी बानरी सेना बैठ गई, भगवान बैठ गए, सब बैठ गए, लेकिन उसमें जगह फूल नहीं हुई। उसकी विशेषता थी कि एक सीट खाली रहती थी।